स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 9C फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5th ऑनवर्ड्स। होप सो आपने क्वेश्चन नंबर 1-4 की प्रैक्टिस कर ली होगी और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आए होंगे। तो अगर आपको 4th क्वेश्चन समझ आ गया है तो आपको कुछ कुछ पता लग गया होगा इस एक्सरसाइज में हमें करना क्या। अगर आपका 9th चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहा है तो इन 12 क्वेश्चंस में से पक्का आपके पेपर में आएंगे। टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये आप मुझसे लिखवा लो, जो मर्जी करवा लो, ठीक है। तो 4th क्वेश्चन तक हम कर चुके थे, जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले वो देख लेना इसका, क्योंकि जो चीजें बहुत आराम से और जो बेसिक होती है वो अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वो पार्ट 1 में। तो आज हम पार्ट 2 करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th ऑनवर्ड्स। और अगर आपको चार क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए हैं 1-4, तो 5th क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगने वाला है। ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। ए अकेला एक काम को 12 डेज में कंप्लीट करता है। ए कितने दिन में कंप्लीट करता है? 12 डेज लगते हैं अगर ए अकेला काम करे। एंड बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 डेज में। और बी बेचारा ऐसा ही है, रेस्ट ले लेकर काम कर रहा है, तो उसे काम कंप्लीट करने में 24 डेज लगे। ए को कितने डेज लगे? 12 डेज। बी को कितने डेज लगे? 24 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क? ए और बी अगर उसी काम को इकट्ठे दोनों कर लेते हैं तो उनको दोनों को इकट्ठा कितना टाइम लगेगा, ये फाइंड आउट करना है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हम 4th क्वेश्चन कर चुके है ना। देखो बहुत इजी है। ए कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। ए कितने दिन में काम करता है? 12 दिन में काम करता है। ए कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। इज वन डे वर्क, ए का एक दिन का काम। अरे भाई वो एक काम को 12 दिन में करता है तो उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? कम होगा ना, एक उसे 12 दिन लगते हैं कोई काम करने में, तो एक दिन में तो वो उसका थोड़ा सा पार्ट कर पाएगा, तभी तो उसको 12 दिन लगे हैं। तो एक दिन में वो कितना काम करता है? 1/12 काम। 12 दिन में वो एक काम करता है। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। तो एक दिन में वो कम काम करेगा और कम के लिए हम डिवाइड कर लेते हैं तो 1/12 काम करेगा वो एक दिन में। बी कैन डू अ वर्क इन 24 डेज। बी कितने दिन में काम करता है? उसे वही काम करना है और उसे कितने दिन लगते हैं? 24 डेज। तो बी का भी हम एक दिन का काम निकाल लेते हैं, ऐसे तो करते हैं अपने क्वेश्चंस को। बी का एक दिन का काम, बी इज वन डे वर्क इज इक्वल टू कम करेगा, कम के लिए डिवाइड करते हैं यानी 1/24। अब हमारे पास क्या आ गया? ए का भी एक दिन का काम आ गया और बी का भी एक दिन का काम आ गया। ए का भी एक दिन का काम आ गया और बी का भी एक दिन का काम आ गया। तो हमें क्या निकालना है? ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में वो काम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। हमें नहीं पता कौन सा काम करना है, ए और बी मिलकर दोनों वो काम कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो क्या करेंगे? ए प्लस बी दोनों के एक एक दिन का काम ऐड कर लेते हैं, यानी कि ए प्लस बी वन डे वर्क, ए और बी का एक दिन का काम। यानी अगर ए और बी दोनों इकट्ठे मिलके एक दिन काम कर ले तो वो कितना काम फिनिश कर देंगे उस दिन? ए का एक दिन का काम 1/12 प्लस बी का एक दिन का काम 1/24। इफ वी टेक एलसीएम 12 एंड 24 वी गेट द आंसर 24। एलसीएम तो लेना आता होगा, यस एलसीएम लेना आता होगा। जिसको ऐसी छोटी छोटी चीजें नहीं आती, हाउ टू टेक एलसीएम, हाउ वी कैन सॉल्व द फ्रैक्शंस और मिक्स फॉर्म को इम्प्रॉपर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, जो ये आपकी बेसिक सी चीजें हैं, ये आपको फिर पूरी लाइफ परेशान कर सकती है। अगर आपको ये छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इनकी छोटी छोटी वीडियो डाल के मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, बट वो बहुत ज्यादा एमबी में बन जाती है, तो देख लेना। 2-3 वीडियो अपलोड करके देखी है मैंने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अपलोड करने में। अब वाईफाई लगवा ली है, अनलिमिटेड डाटा यूज कर सकते हैं, देख लेना जिसको जो भी चाहिए। ए और बी का एक दिन का काम, दोनों का काम ऐड कर दिया, एलसीएम 24 आया 12 के टेबल में। जो डिनोमिनेटर होता है इसको एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो 12 के टेबल में 24 2 पर आता है, फिर जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 2 प्लस 12 20।
24 के टेबल में 24 वन पर आता है, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, वन टू प्लस वन थ्री हो गया डिवाइडेड बाय 24, कैंसल आउट होके 3 1 3 3 8 24, आंसर कितना आया 1/8, यानी कि ए और बी मिलकर एक दिन में 1/8 काम कर लेते हैं। बोथ ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट्स 1/8 वर्क इन वन डे, इंग्लिश में लिखा हो बस वही बोला है, देयरफॉर दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन, तो वो कंप्लीट कितने दिन में काम करेंगे, वो कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, ये तो आपका यहां से क्वेश्चन नंबर 3 की तरह नहीं हो गया। 4 और 3 में क्या डिफरेंस है, 4 में बिल्कुल यहां तक जो हमने अभी तक सॉल्व किया वो सिमिलर टू लाइक फोर्थ क्वेश्चन है जो हम पार्ट ए में कर चुके हैं, और थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था कि वो कितने दिन में काम करेंगे, क्या किया था 1/ जो उनका एक दिन का काम आया था डिवाइड कर दिया, इसमें भी वही करेंगे 1/ जो एक दिन का काम आया 1/8 डिवाइड कर देंगे, 8 1/8 रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा तो 8/1 आ जाएगा, यानी कि 8/1 आ रहा है तो नीचे 1 लिखो या ना लिखो आंसर कितना आ जाएगा 8 days। बहुत आसान है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस, बस फोर्थ में क्या पूछा हुआ था कि ए और बी मिलकर उसमें रेखा और प्रीमा थे कि वो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे बस, और थर्ड और फिफ्थ में हमसे क्या पूछा हुआ है कि वो काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, तो पहले तो हमें उनका एक दिन का काम फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, उसके बाद हमारे पास आ गया कि वो मिलकर टोटल काम को कितने दिन में कर देंगे, तो उनको कितने दिन लगेंगे 8 days। इजी था ना, बहुत इजी था। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, ए एंड बी टुगेदर, ध्यान से समझना बिल्कुल इसको, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। अब क्या गिवन है, ए और बी इकट्ठे कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देते हैं 12 days में, ए प्लस बी का काम दे रखा है 12 days। अगर मैं आपसे पूछूं ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा, ए प्लस बी हमें पता है किसी काम को 12 दिन में फिनिश कर देते हैं, है ना, किसी भी वर्क को दे कंप्लीट दैट वर्क इन 12 days। नाउ व्हाट आई एम आस्किंग टू यू, आई एम आस्किंग कि ए और बी का एक दिन का काम कितना है, एक दिन का 1/12 कम होगा एक दिन के लिए, तो एक दिन का काम कितना आएगा उनका 1/12। व्हाइल बी अलोन कैन फिनिश इट 30 days, अगर बी अकेला उस काम को करता है तो उसे 30 दिन लगते हैं, 30 days लगते हैं, तो बी को 30 days लगते हैं किसी काम को करने में, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, बी एक दिन में कितना काम करेगा 1/30 करेगा, कम करेगा, कम के लिए डिवाइड करते हैं, बी एक दिन में 1/30 करेगा, ए प्लस बी एक दिन में 1/12 करेंगे, हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द वर्क, तो ए उस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा, उल्टा पूछा हुआ है, पहले ए प्लस बी का पूछा हुआ था सिक्स क्वेश्चन में, फिफ्थ में, है ना, इसमें क्या गिवन है, ए और बी दोनों मिलकर 12 days में काम करते हैं, बी अकेला उस काम को 30 days में करता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, जैसे जैसे हम अपना प्रोसेस करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे, नो चेंज, देखते हैं। ए प्लस बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 12 days, ए और बी इकट्ठे कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं 12 days में, ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा, कम करेगा, 1/12 करेगा, बी कैन डू द वर्क इन 30 days, बी 30 days में काम करता है, तो बी का एक दिन का काम कितना हो गया 1/30 1/30। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं हमें क्या पता लगा, हमें क्या पता लगा, कंपेरिजन करके देखा करो ना, तभी तो चीजें याद रहेंगी कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चाहे कितने भी दिन का काम दे रखा हो, वो चाहे कितने दिन में काम कंप्लीट करता हो, सबसे पहले उसका एक दिन का काम निकाल लो, सबसे पहले उसका एक दिन का काम निकाल लो, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/12, बी कैन डू द वर्क इन 30 days, तो बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/30, एक एक दिन में कितना काम करेगा, ए कितना काम करेगा, ए प्लस बी का गिवन है, ए प्लस बी दोनों का गिवन है, अगर इसमें से बी का माइनस कर दे तो ए का काम रह जाएगा, ए प्लस बी दोनों का काम गिवन है, इसमें से अगर मैं बी का काम माइनस कर दूं तो ए का काम रह जाएगा या नहीं रह जाएगा, रह जाएगा, तो 1/12 माइनस 1/30 इफ वी टेक द एलसीएम ऑफ 12 एंड 30 वी गेट द आंसर 30। एलसीएम कैसे लेते हैं, कैसे लेते हैं, 12 यहां रखा 30 यहां रखा, फिर देख लो ऐसे ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करके, आता होगा ये तो, नहीं आता तो कमेंट कर देना। तो 12 और 30 का एलसीएम लेके 30 आया, 12 के टेबल में 30 कहां आता है, 12 के टेबल में 30 कहां आता है, डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लो, कितना आएगा, कितना आएगा, 30 से कैंसिल आउट करेंगे तो 30/12 लिखेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 12
30 डिवाइडेड बाय 12, फिर जो भी आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 30 के टेबल में 30 कहाँ आता है? गलत, एलसीएम गलत आ रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई। एलसीएम लेके देखते हैं, एलसीएम गलत लिखा हुआ इसमें, 2 6 12 2 2 6 12 2 1 2 2 5 10, 2 के टेबल पे गए ये दोनों, फिर से 2 के टेबल पे, क्योंकि 6 2 के टेबल पे आता है, जो नहीं आता उसको एज इट इज लिख दो, 15 नहीं आता तो उसको एज इट इज लिख दिया, 6 आता तो वो किस पर आता है वो लिख दिया। अब ना तो 3 आ रहा 2 के टेबल पर, ना 15 आ रहा, तो फिर लिख के क्या करें 2 का, है ना? किस पे चलते हैं? 3 के टेबल पे, सबसे पहले 2 के टेबल पर जाना है, देन 3 के टेबल पे मूव ऑन करना है। 3 1 3 और 3 5 15, इसमें क्या होता है, अगर एक आता है तो वो लिख दो, अगर दोनों आते हैं तो दोनों लिख दो, लेकिन वो नहीं, यहाँ कोई भी नंबर आएगा कि दोनों आते ही नहीं, वो तो सेम एज इट इज एक्सप्रेशन नीचे आ जाएगा ना। तो यहाँ तो 1 आ गया, अब ये तो 5 तो 3 के टेबल पे जाता ही नहीं, तो 4 के टेबल पे भी नहीं जाता, 5 के टेबल पर, तो 5 1 और 1 जब तक नीचे 1 1 नहीं आते तब तक लिखते जाएंगे। नाउ मल्टीप्लाई दिस टर्म्स, 2 2 4 4 3 12 12 5 60, तो 60 आ रहा है ना इसका एलसीएम, क्या आ रहा है इसका एलसीएम, 60 60 आ रहा है, 60 यहाँ गलत लिखा हुआ है तो यहाँ आएगा 60, एलसीएम 60 आ रहा है, तो 12 के टेबल पर 60 कहाँ आता है, 12 5 60 12 5 60, नाउ मल्टीप्लाई 5 by 1, क्योंकि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 1 5, 30 के टेबल में 60 कहाँ आता है, 2 पर, तो 2 1 2, 5 minus 2 is 3 डिवाइडेड बाय 60, 3 1 3, 3 2 6, 0 की 0, इट मीन्स 1 by 20 आ गया। ए का एक दिन का काम आया, ये ए का एक दिन का काम आया 1 by 20, तो ए कैन डू 1 by 20 वर्क इन 1 डे, एक दिन का काम अगर उसका 20 आ गया, 1 by 20 आ गया, तो ए उस काम को कंप्लीट कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा, 20 डेज में कंप्लीट करेगा। जैसे जैसे देखो, बी का एक दिन का काम कितना था, 1 by 30, ये कितने दिन में काम कर रहा था, 30 डेज में काम कंप्लीट कर रहा था, उसका रेसिप्रोकली तो है, तो ए का एक दिन का काम 1 by 20 है, ए उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ए कैन डू द होल वर्क इन 20 डेज, क्लियर? यस, इजी था, कुछ नहीं था, सिर्फ उल्टा पूछा हुआ था, क्या पूछा हुआ था, पहले ए और बी का काम दे देते थे, ए प्लस बी का पूछ लेते थे या कोई नाम दे देते थे, ठीक है? अब क्या दे दिया, ए प्लस बी का काम दे दिया और बी का काम दे दिया, तो ए का काम कैसे निकलेगा, दोनों के काम में से जिसका गिवन है उसका काम माइनस कर दो, बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवंथ, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट, ए बी एंड सी, नाउ इट इज टॉकिंग अबाउट 3 persons, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 2 hours, अब डेज गिवन नहीं है, क्या गिवन है, आवर्स गिवन है, तो घबराने की कोई बात नहीं, आर्स गिवन है तो आर में ले लेंगे, है ना? ए बी एंड सी कंप्लीट अ वर्क इन 2 hours, एच मतलब आर्स, आर्स क्या होते हैं, घंटे, 2 घंटे में काम कंप्लीट कर देते हैं, 3 बंदे 2 घंटे में काम निपटा देते हैं। इफ ए डज द जॉब अलोन इन 6 hours, ए अकेला उस काम को 6 घंटे में करता है, एंड बी इन 5 hours, और बी 5 घंटे में कर देता है, How long will it take for C to finish the job alone? C कितने घंटे में कर देगा? If he works alone, अगर वो अकेला काम करे, A, B, C, कुछ कुछ 6 question जैसा नहीं है, इसमें बस 2 की बात थी, इसमें 3 की बात है, इसमें A plus B के तीनों का काम दे रखा है, कितनी देर में कर देते हैं, A का काम भी given है, B का काम भी given है, तो C का काम find out करना है ना, 6 question की तरह। Yes, बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन है, अगर आपको 6 question समझ आ गया, 7th भी आ गया होगा, सोचो जरा कैसे हो सकता है, सोचिए सोचिए कैसे हो सकता है, ए प्लस बी प्लस सी का काम गिवन है 2 hours, ए प्लस बी प्लस सी 2 घंटे में काम कर देते हैं, 2 hours में काम कंप्लीट कर देते हैं, तो 1 hour में कितना काम करेंगे, वो कम करेंगे, 1 hour में कितना काम करेंगे, अरे भाई पहले वो 12 दिन में काम कर देते थे, तो हम 1 दिन का काम निकालते थे ना, अब चाहे वो 10 घंटे में करे, 15 घंटे में करे, 2 घंटे में करे, हम 1 घंटे का काम निकालेंगे, 1 घंटे का काम निकालेंगे। ए प्लस ए बी एंड सी कंप्लीट अ वर्क इन 2 hours, 2 hours में काम कंप्लीट करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 2 divide में चला जाएगा, 1 by 2 hours में काम कंप्लीट करेंगे, यस, इतना क्लियर। अब क्या गिवन है, एक अकेला कितने घंटे में काम कर देता है,
6 hours में, तो वो 1 घंटे में कितना काम करेगा, कितना काम करेगा, 1/6 करेगा या नहीं करेगा? ऑब्वियस ही बात है भाई, अब तो इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं। और बी 5 hours में करता है तो बी 1 घंटे में 1/5 करेगा, बी 1 घंटे में 1/5 करेगा। ए कैन डू दी वर्क इन 6 hours, एज ए का एस्टोफियस जो ये अपोस्ट्रोफियस लगा होता है, इसका मतलब होता है का के की, ए का 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, एज 1 hour इज इक्वल टू 1/6 होगा, 1/6 हो जाएगा, कम होगा, कम के लिए डिवाइड करते हैं, 1/6 हो जाएगा। बी कैन डू दी वर्क इन 5 hours, बी 5 घंटे में काम करता है तो बी का 1 घंटे का काम कितना हो गया, 1/5। ए प्लस बी का, ए का काम पता है, बी का काम पता है, तो ए और बी दोनों का 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/5, यही तो होगा। 6 और 5 का एलसीएम, 6 5 30, 6 और 5 का एलसीएम लेके देखना 30 आएगा, 6 के टेबल में 30 कहां आता है, 5 पर, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 5 के टेबल में 30 कहां आता है, 6 पर, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6, 5 प्लस 6 11 डिवाइडेड बाय 30, तो ए और बी का 1 घंटे का काम कितना हो गया, 11/30। सी का 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, क्या पूछा हुआ है, पूछा क्या हुआ है कि सी कितनी देर में काम कंप्लीट कर लेगा, कितनी देर तो बाद की बात है, सिर्फ उसको 1/5 उसमें लिख के रेसिप्रोकल करते हैं वो, तो पहले उसका 1 घंटे का काम तो निकालना पड़ेगा ना। सारा काम या तो 1 day में होता है या 1 hour में होता है, ठीक है। सी का 1 घंटे का काम कितना होगा, ए बी सी तीनों जितना काम कर रहे हैं उसमें से ए और बी का माइनस कर देंगे तो सी का काम आ जाएगा। अरे भाई 6th question की तरह ही तो है, उसमें ए और बी में से, ए और बी का जो काम था उसमें से बी के काम को माइनस कर दिया तो ए का काम आया था। इसमें ए बी सी तीनों के काम में से ए और बी का काम माइनस कर दो तो सी का काम ही तो रहेगा। ए बी सी तीनों का काम कितना था, 1/2 भूल गए। अरे भाई अभी पिछले पेज पे ही तो दिखाया था, ये देखो ए प्लस बी प्लस सी का 1 घंटे का काम कितना था, 1/2। ए और बी का 1 घंटे का काम कितना है, ए और बी का 1 घंटे का काम कितना है, 11/30। 1/2 माइनस 11/30, 2 और 30 का एलसीएम लेंगे 30 आ रहा है, 2 के टेबल में 30 15 पर आता है, डिवाइड कर लो, 2 के टेबल में 30 कहां आता है, 2 का टेबल तो 20 तक होता है, कुछ बच्चे तो यही सोच रहे होंगे ना, तो भाई डिवाइड कर लो ना, 30 ऊपर रख लो 2 नीचे रख लो, कट पिट के क्या आएगा, 15, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 माइनस 30 के टेबल में 31 पर, और 30 को 30 के टेबल में 31 पर आ रहा है तो 1 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 11, 15 माइनस 11, 4/30 कैंसिल आउट होके कितना आया, 2/15। ए 1 घंटे में कितना काम करता है, 2/15। ए नहीं, ए का काम तो हमें गिवन है, क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, सी का काम फाइंड आउट कर रहे हैं ना। नाउ सी कैन डू 2/15 वर्क इन 1 hour, यहां तक बात समझ आई, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर किसी को स्पीड में लग रहा है या किसी को ये लग रहा है कि क्या करते जा रहे हैं तो वीडियो को दोबारा देखना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ए कैन फिनिश, 1 घंटे का काम आया ये, तो हमें तो ये बता रहा है ना वो कितने घंटे में वो काम कंप्लीट कर देगा। सी कैन फिनिश दी वर्क इन, कैसे निकालते हैं, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, इतने क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो 1/this, उसका 1 के नीचे लिख देते हैं उसको, 1/2/15, तो रेसिप्रोकल होके 15 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे। इम प्रॉपर फॉर्म को मिक्स्ड फॉर्म में आपको चेंज करना आता ही है, नहीं आता तो जरूर कमेंट करना कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। 15/2 hours इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे पता है क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 15 को अंदर रखो, 2 से उसको डिवाइड करो और फिर ये आ जाएगा, करके देखना। तो सी कितने घंटे में काम फिनिश करता है, 7:1/2, 7.5 घंटे लगते हैं उसे काम कंप्लीट करने में। क्या था, ए प्लस बी प्लस सी का काम गिवन था, ए का काम गिवन था, बी का काम गिवन था, तो ए प्लस बी प्लस सी में से कि वो ये निकालिए कि वो 1 घंटे में कितना काम करते हैं, फिर ए एक 1 घंटे में कितना काम करता है और बी 1 घंटे में कितना काम करता है, तो जितना 1 घंटे में ए प्लस बी प्लस सी काम करते हैं उसमें से ए प्लस बी जितना काम करते हैं वो माइनस कर दिया तो सिर्फ सी का काम रह जाएगा, और सी का 1 घंटे का काम आ गया तो उसको 1 के डिवाइड में लिख लिया, उसका टोटल काम आ गया, मतलब टोटल घंटे आ गए उसने कितनी देर में काम किया। शायद ऐसी मैं एक्सपेक्टेशंस कर सकती हूँ कि अब आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, इजी था, बिल्कुल इजी था। आगे 8th question थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा
मुश्किल नहीं है, बस समझोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। चलो 8th 9th 10th 11th 12th। एट कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, है ना। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज। क्या गिवन है? ए एंड बी, ए और बी किसी काम को 72 डेज में करते हैं। क्या गिवन है? ए और बी किसी काम को 72 डेज में करते हैं। एक लाइन पढ़ ली, साथ साथ करते हैं। टिपिकल है तो हम टिपिकल को टिपिकल क्यों रहने दें, इजी बना देते हैं। क्या है? ए एंड बी, ए और बी किसी काम को कैन डू अ वर्क इन 72 डेज। यही गिवन है, ए और बी किसी काम को 72 डेज में करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी का, ए प्लस बी अपोस्ट्रोफी एस, 1 डे वर्क। उनका एक दिन का काम कितना हो गया? उनका एक दिन का काम, साथ साथ सोचते रहो, उनका एक दिन का काम कितना हो गया मेरे बोलने से पहले? कितना हो गया? 1/72। ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो गया? 1/72। इक्वेशन नंबर 1 मान मान ली। उसके बाद इतना ही पता था। बी एंड सी कैन डू इट इन 120 डेज। बी और सी लिख देना, बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 120 डेज। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बस इंग्लिश ही तो लिखनी है, वो भी बुक में से। तो बी और सी का एक दिन का काम, बी और सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? अगर 120 डेज कंप्लीट लग रहे हैं तो 1/120 होगा। 1/120 होगा कि नहीं होगा? दो होगी, दो ही क्वेश्चन होंगे। ए एंड सी कैन डू इट 90 डेज। ए एंड सी कैन डू इट 90 डेज। तो क्या लिखूं? ए और सी का एक दिन का काम, ए और सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/90। तीसरी क्वेश्चन होगी, यहां तक नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। उसके बाद इन व्हाट टाइम कैन ए अलोन डू इट, तो ए कितनी देर में काम करेगा, वो पूछा हुआ है कि ए कितनी देर में काम करेगा, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। एडिंग 1, 2 एंड 3। अगर तीनों इक्वेशन को ऐड करूं, लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड होगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड होगा, यानी कि ए प्लस बी का काम, बी प्लस सी का काम और सी प्लस ए का काम, तीनों लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड होगा, सबका एक दिन का काम, सबका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/72 प्लस 1/120 प्लस 1/90, यही होगा। सबका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? इतना ही तो होगा। लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड कर दिया, राइट वाला राइट में ऐड कर दिया। ए यहां भी ए है, यहां भी ए है, तो कितने ए? 2A। कितने बी? 2B। कितने सी? 2C। तो सबका एक दिन का काम, सबका एक दिन का काम इज इक्वल टू, यही लिख देंगे, 1/72 प्लस 1/20 प्लस 1/90। 2 2 2 तीनों में कॉमन आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी रह गए ब्रैकेट में। सबका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? सबका एक दिन का काम हो जाएगा, अगर इसका एलसीएम लें, 72, 120 और 90 का, वो आएगा हमारे पास 360। फिर से 360 ऊपर रखेंगे ऐसे, 360 को 72 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आएगा 5 प्लस 3 प्लस 4। जस्ट एलसीएम लिया, नथिंग एल्स। 12/360 इसको कैंसिल आउट किया, 1/30 आ गया। 1/ कितना आ गया? 30। ये क्या आया? इसकी वैल्यू आई है, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब 2 यहाँ एक्स्ट्रा, तो 2 को डिवाइड में ले जाओ, 2 एक्स्ट्रा है। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, 1 डे वर्क। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, 1/30। ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना हो गया? 1/60। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 1/60 हो गया। ए प्लस सी बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो गया? 1/60। हमसे क्या पूछा हुआ है? ए का काम, यानी कि ए का एक दिन का काम निकालना पड़ेगा पहले। ए का एक दिन का काम, एक दिन का पूछा हुआ है या टोटल काम पूछा हुआ है? इन व्हाट टाइम कैन ए अलोन डू इट, तो ए का काम निकालना पड़ेगा।
ए का काम कैसे निकलेगा? ए प्लस बी प्लस सी तीनों का काम पता है, पता है ना? ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एक दिन का काम पता है, ए प्लस सी का भी काम पता है, ए प्लस सी में से निकाल लो या ए प्लस बी में से निकाल लो, क्या करना है? वही माइनस ही तो करना है। अगर ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम पता है और इसमें से अगर मैं बी प्लस सी का काम माइनस कर दूं, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम पता है, इसमें से मैं माइनस कर दूं बी प्लस सी का काम, अगर इतना पोर्शन माइनस कर दूं तो सिर्फ किसका काम रह जाएगा? ए का एक दिन का काम। ये सारा काम तो हमने किस लिए किया है? ए प्लस सी के एक दिन के काम निकालने के लिए। क्लियर? तो ए प्लस बी प्लस सी में से इफ आई सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ बी प्लस सी देन आई गेट द आंसर ऑफ ए, है ना? तो ए का एक दिन का काम पता लग जाएगा, 1/60 में से 1/120 माइनस कर दो आंसर आ जाएगा, 1/60 में से 1/120 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 1/120 आ जाएगा। 1/60 माइनस 1/120 इज इक्वल टू 1/120। तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 1/20। तो उसको कितने दिन लगे? 1 के रेसिप्रोकल में लिख देते हैं, तो उसको कितने दिन लगे? 1 के रेसिप्रोकल में लिख देते हैं, यानी कि 120 डेज लगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, जो जो गिवन था वो यूज करते रहे। ए प्लस बी का काम पता था, ए प्लस बी का एक दिन का काम डिवाइड में हो गया, तीन इक्वेशन ऐसी आ गई, तीनों को लेफ्ट वाले को लेफ्ट में ऐड कर दिया, राइट वाले को राइट में ऐड कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी का काम निकाल लिया, टू उसके डिवाइड में आ गया। बाकी जब हमें टोटल पता होता है और उसमें से जिसका निकालना है, जिसका पूछा हुआ है क्वेश्चन में, बाकी को गिवन होगा, तो उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। आ गया समझ? अब तो मुश्किल नहीं लग रहा होगा ना, इजी होगा, तो इनके प्रैक्टिस करना। बाकी हमारे 4 क्वेश्चंस रह गए, आज हमने 4 की प्रैक्टिस कर ली है, कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट की वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।